वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। आज का हमारा वीडियो है लेफ्ट एक्सटेंशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एबनॉर्मल वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसी इज नॉन एज। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसाइटोसिस, बी एनिसोसाइटोसिस, सी पोइकिलोसाइटोसिस एंड फोर स्पेरोसाइटोसिस। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सेकेंड, एनिसाइटोसिस। सेकेंड क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग कंस्ट्रिक्ट ऑफ। हिमेटोलॉजी में उपयोग होने वाले जो माइक्रोटॉम्स होते हैं उनको नोकीला करना और तेज करने की क्रिया क्या कहलाती है? हुनिंग, इम्बेडिंग, स्टॉपिंग एंड वन एंड थ्री बॉथ। तो इसका करेक्ट आंसर है वन एंड थ्री बॉथ। हुनिंग एंड स्टॉपिंग दोनों कहलाती है, इम्बेडिंग नहीं कहलाता है वो। हुनिंग नोकीला करने का और स्ट्रोपिंग दोनों कहलाता है। अगर क्वेश्चंस में दोनों आता है तो बहुत पे ही आपको देना है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मीडिया रिक्वायर स्पेशल ग्रोथ फैक्टर। स्पेशल ग्रोथ फैक्टर के लिए किस प्रकार के मीडिया रिक्वायर्ड होता है? इनरिच मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, सिंपल मीडिया। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज इनरिच मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल साइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज फॉर काउंटिंग ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या फिर नॉन। एंड करेक्ट आंसर, आरबीसी काउंट के लिए फॉर्मल साइट्रेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स इन बैक्टीरिया? क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स, कंजुगेशन एंड प्लाज्मिड। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज फोर, प्लाज्मिड। नेक्स्ट, मैच्योर सिस्ट ऑर्ड ई हिस्टोलाइटिक इज अन न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड एंड ऑक्टा न्यूक्लिएटेड। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज थर्ड, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज फॉर यूरिया एस्टिमेशन? यूरिया एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? ओ टोल्यूडिन मेथड्स, यूरिकेज मेथड, डैम मेथड एंड टू एंड थ्री बॉथ। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज थ्री, डैम मेथड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन सीमेन इज कॉल्ड। जो वीर्य होता है उसमें स्पर्म का नहीं पाया जाना क्या कहला जाता है? ओलिगो स्पर्मिया, हाइपो स्पर्मिया, एजूस परमिया एंड हाइपर परमिया। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज थर्ड, एजियोस्पर्मिया कहलाता है, सीमेन में स्पर्म्स का नहीं पाया जाना। नेक्स्ट, लैवेंडर कलर टॉप ऑन ट्यूब ऑफ। लैवेंडर कलर किस प्रकार के ट्यूब का कलर होता है? एडीटीए, हेपरिन, यस फ्लोराइड या फिर ईएसआर का। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज फर्स्ट, ईडीटी, एथिलीन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका जो ट्यूब होता है ईडीटी के लिए, जो ट्यूब यूज किया जाता है वह लेवेंडर कलर का उसका टॉप होता है। नेक्स्ट, विटामिन सी केमिकल नेम इज, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? अदर नाम होता है रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड या राइबोफ्लेविन। तो होता है ऑप्शन नंबर सेकेंड, एस्कॉर्बिक एसिड। एंड फोलिक एसिड विटामिन बी नाइन को कहा जाता है। नेक्स्ट, फॉचेस रिजेंट इज यूज टू डिटेक्ट। फॉचेस रिजेंट किसके लिए यूज किया जाता है? सुगर, कीटोन बॉडीज, बाइल पिगमेंट या फिर प्रोटीन। एंड जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर थर्ड, बाइल पिगमेंट के डायग्नोसिस के लिए फॉचेस रिजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, न्यू मेथिलीन ब्लू स्टेन इज यूज फॉर काउंटिंग ऑफ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेटिकुलोसाइट काउंट, इथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स या फिर मलेरिया। तो जो न्यू मेथिलीन ब्लू स्टेन होता है वह रेटिकुलोसाइट्स काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, डी हीमोग्लोबिनाइजेशन इज डन इन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट थिन स्मियर, थिक स्मियर, वेट स्मियर एंड नॉन। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सेकेंड, थिक स्मियर। नेक्स्ट, आरबीसी नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ।
एंटीजन ए एंड बी, एथ्रोपोएटिन्स, सियालिक एसिड एंड आयरन. करेक्ट आंसर नंबर इज थर्ड, सियालिक एसिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग सेल फ्रॉम एंटीबॉडीज, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज या फिर रेटिकुलोसाइट्स. तो इनमें से कौन सा सेल होता है जो एंटीबॉडीज होता है, तो वो होता है बी लिम्फोसाइट. विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ एच बी एस्टिमेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट साइन मैथ मेथड, सैलिज मेथड, एल्केली हिमेटिन मेथड्स एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड. एंड सबसे बेस्ट जो होता है वह साइन मैथ मेथड. नेक्स्ट, मेजोरिटी ऑफ आयरन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन, हीमोसिड्रिन या फिर इनमें से कोई नहीं, तो होता है हीमोग्लोबिन में आयरन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉलरीमीटर, कॉलरीमीटर किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ या फिर ऑल ऑफ द अबव. एंड करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड फीटल हीमोग्लोबिन, एच बी ए वन, एच बी एफ, एच बी ए टू एंड एच बी एस. तो ये होता है एच बी एफ जो होता है वह फीटल हीमोग्लोबिन का कॉल होता है. एच बी ए वन सी जो होता है वह ब्लड ग्लूकोज जांचने के लिए किया जाता है, एच बी एस जो होता है वह सिकलिंग के लिए होता है. नेक्स्ट, इंट्रिंसिक्स हीमोलाइसिस कॉज्ड बाय सिकल सेल एनीमिया, जी सिक्स पी डिफिशियंसी, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिफिशियंसी एंड ए आई एच ए एंड स्पेरोसाइटोसिस. एंड करेक्ट आंसर ए आई एच ए. नेक्स्ट, ट्रू अबाउट ब्लड्स, ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कंटेन्स ओनली प्लेटलेट्स, इन वेन ब्लड इज पिकनिंग रेड, नॉर्मल ब्लड कंटेन्स बैक्टीरिया. तो ये सारे गलत हैं सिवाय एक सही है, ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यह तरल संयोजी ऊतक का एक उदाहरण होता है. हु इज फादर ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी के फादर कौन है, रॉबर्ट कोच, लुइस पाश्चर, इवान वोल्स्की एंड एंटोनी वॉन लीवेनहॉक. तो इवेनो वोल्स्की होते हैं जो फादर ऑफ वायरोलॉजी कहलाते हैं. नेक्स्ट, कोकाई प्रेजेंट इन पेयर ऑफ फोर इज कॉल्ड स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस, टेड्रेस एंड सार्सिना. एंड करेक्ट आंसर टेट्रेड्स. नेक्स्ट, डिक्रीज ऑल ऑफ टाइप ऑफ सेल कॉन इन ब्लड इज सीन इन प्लास्टिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, आईटीपी एंड आयरन डिफिशियंसी एनीमिया. ये होता है प्लास्टिक एनीमिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ट्रू फॉर मेजर क्रॉस मैच इन ब्लड बैंक, डोनर सेल, रिसीवर सीरम, डोनर सेल, रिसीवर सेल, डोनर सीरम, रिसीवर सेल, डोनर सीरम, रिसीवर सीरम. तो जो मेजर क्रॉस चेक होता है वह डोनर्स का सेल लिया जाता है और रिसीवर्स का सीरम लिया जाता है. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतने ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे. जय हिंद, जय भारत.